अस्सलामुअलैकुम। आज हम उर्दू का गुलदस्ता गेंदा जो के क्लास दोनों के लिए है उसमें से जो मौजू घर है वो पढ़ेंगे और उसका जो टॉपिक है वो है अल्लाह का घर। ये सफ़ा नंबर 23 पे है, तो आ जाइए सफ़ा नंबर 23 पे। जी, ये है सफ़ा नंबर 23 और ये है अल्लाह का घर। अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर कहाँ है? अल्लाह के घर का नाम क्या है? अल्लाह का घर किस शहर में है? किस नगरी में है अल्लाह पाक का घर? इसको किसने बनाया? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने अपने हुक्म से अपना घर, अपना पाक घर किससे बनवाया? ये अल्लाह का घर बना हुआ है, देख रहे हैं आप बुक पे, ठीक। ये है अल्लाह का घर, ये किसने बनाया? अल्लाह के, अल्लाह ने किसको हुक्म दिया कि मेरा घर बनाओ? अल्लाह ने ये इतनी अजीम सआदत किस अपने अजीम बंदे को दी कि उसने अल्लाह के हुक्म से इसको तामीर किया। चलिए, तो फिर ये आज हम पढ़ेंगे अल्लाह का घर के टॉपिक में। बहुत साल पहले की बात है, एक बुज़ुर्ग और उनका बेटा मिलकर कुछ तामीराती काम कर रहे थे। ये देख रहे हैं कुछ यहाँ इर्द गिर्द ना, यहाँ पे इस जगह पे कुछ अरसा पहले की बात है, यहाँ पे एक बुज़ुर्ग और उसका बेटा कुछ तामीराती काम कर रहे थे। वो बहुत प्यार और मोहब्बत से घर बना रहे थे, एक जगह तामीर कर रहे थे। उन्होंने उसकी चार दीवारी बनाई और फिर उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे उनको हिदायत दी जा रही थी वो उसी हिसाब से घर बना रहे थे। और वो घर था अल्लाह ताला का घर। अल्लाह ने हुक्म दिया उस बुज़ुर्ग और उसके बेटे को कि इस जगह पे, और ये भी हिदायत दी कि इस जगह पे मेरा घर बनाओ। तो वो दोनों बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ उन्होंने वो शुरू हो गए घर बनाना। तो वो अल्लाह का जहाँ पे घर बन रहा है उसके आसपास छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ थी, हर तरफ रेत थी। उन्होंने, बाप बेटा ने मिल के उसमें मिट्टी और गारे से एक मिक्सचर बनाया और उस मिक्सचर से उन्होंने घर की तामीर शुरू कर दी, मिट्टी और गारे से की मदद से। जैसे हमारा सीमेंट बनता है ना, रेत और बजरी से सीमेंट बनता है, फिर सीमेंट से हमारे घर बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सीमेंट के बगैर तो घर पक्का होगा ही नहीं, वो बार बार ब्लॉक नीचे आके गिरेंगे। तो ये जिस ज़माने की बात है उसमें मिट्टी और गारे से सीमेंट टाइप की एक चीज़ बनती थी, मिट्टी से मतलब, और वो उससे फिर घर तामीर होते थे। अच्छा, ये जो घर है ये बहुत सादा सा था ना, इसकी कोई छत नहीं थी, बस चार दीवारों का एक कमरा, ठीक है। ये शहर अरब जो है, ये घर जो है ये अरब के बहुत मशहूर शहर मक्का में है तामीर किया गया जो घर है, और उसको खाना काबा कहते हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला का जो घर है जो बुज़ुर्ग और उसके बेटे ने बनाया एक दूसरे के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से, मेहनत से, अल्लाह पाक के हुक्म से बनाया, उस घर को जो रब्बे पाक का घर है, ये वो घर है जिसे खाने काबा कहते हैं। मुसलमान हर साल यहाँ पे हज पढ़ने जाते हैं, तवाफ करते हैं इस घर का। इसे अब वही है, ये बना हुआ वही है जो अल्लाह के बुज़ुर्ग और उसके उनके बेटे ने बनाया। सिर्फ इसे क्या किया जाता है कि थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जाती है, इसके ऊपर जो गुलाब है उसको बना दिया जाता है, हर साल ये चेंज होता है गुलाब, इसकी सिलाई होती है, फिर इसको पूरे घर को हौसल दिया जाता है। लेकिन ये जो तामीर जिस तरीके से बुज़ुर्ग और उसके बेटे ने की है वही है,
ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, ये चीज़ वही बनी हुई है, सिर्फ इर्द गिर्द थोड़ी थोड़ी सी, जाहिर सी बात है जैसे जैसे अल्लाह का नाम लेने वालों की तादाद बढ़ती गई तो ये जो घर है इसकी दीवारें और दूर कर दी गई। और फिर अब माशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको भी लेके जाए, हमें भी लेके जाए कि हम भी जाएँ खाने काबा का तवाफ करें। तो अब तो हम अगर वहाँ पे जाएँ तो हैरान हो जाते हैं और बस सुभान उसकी कुदरत के क्या बात है उसके घर की, कितनी नूरानियत है उसके घर में और ता हद नज़र फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बनाने वाले जो बुज़ुर्ग हैं उनका नाम था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी पैगंबर थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे जो उनका साथ दे रहे थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के नबी थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपने बेटे को पेश कर दिया अल्लाह ताला के हुजूर, जिन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया, वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और वही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो बाबा जान के आगे लेट गए और कहने लगे बाबा जान मेरी गर्दन पे छुरी चला दीजिए, बाबा जान मेरी गर्दन पे छुरी चला दीजिए, अल्लाह पाक ने मुझे आपसे मांगा है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी सआदत है, बाबा जान ये आपके लिए बहुत बड़ी सआदत है कि आप कुर्बान करने भी आ रहे हैं तो अपने बेटे को। और ये वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पे दुम्बा रख दो। और फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने तो गर्दन पे छुरी रख दी थी और जब उन्होंने छुरी चलाई और आँख खोली तो वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नहीं थे। अल्लाह ताला उनको आजमा रहा था, उनकी सबसे प्यारी कीमती चीज़ लेके अल्लाह ताला उनको आजमा रहा था कि मैं देखूं कि ये जो मेरा बहुत प्यारा बंदा है, जो मेरा नबी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं इनसे बेटा मांगूंगा तो क्या ये मुझे दे देगा। और उन्होंने हंसी खुशी अपने बेटे को जाके अल्लाह की राह में पेश कर दिया। और फिर बेटे को तो देखिए तो सही ज़रा उनके बेटे को कि उनकी हिम्मत देखिए, वो अपने बाबा की हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि बाबा जान अल्लाह ने मुझे मांगा है तो ले जाइए ना, मुझे भी तो मौका मिले, मुझे भी तो मौका मिले उस रब्बे पाक के करीब आने का। तो फिर अल्लाह ताला ने उसी वक्त एक दुम्बा भेज दिया और वो दुम्बा ज़िबा हो गया। हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक साइड पे बैठे हुए थे, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों से पट्टी बांध ली थी तो उन्होंने जब पट्टी खोली तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक साइड पे बैठे हुए थे और दुम्बा ज़िबा हो चुका था। और हम उन्हीं की याद में मनाते हैं ईद उल अज़हा, जिसे आप कहते हैं बकरा ईद, गाय वाली ईद, है ना, इस तरह के नाम लेते हैं। तो ये वो वाक्या है, ठीक है, ये वो बाप बेटा है। फिर इन्होंने अल्लाह के हुक्म से बनाया घर, किसका घर, अल्लाह पाक का घर बनाया। अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इस जगह पे इस मक्का में मेरा घर बनाओ। और फिर उन्होंने अल्लाह का घर बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो घर कायम और दायम है, ता कयामत ये कायम और दायम रहेगा। हम और आप यहाँ पे जाते रहेंगे, तवाफ करते रहेंगे, ठीक है। अल्लाह पाक आपको और हमें, हम सबको अपना घर दिखाए और इसमें बहुत ही नेक नियति के साथ तवाफ करने की तौफीक नसीब करें। आमीन।